अब आइएगा तो आप यहीं रह जाइएगा। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची स्वर्ण। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और मैं ब्लॉग इधर से ऐसे कैमरा करके कर रही हूँ बिकॉज पीछे ही मेरी विंडो है। ऐसे कर रही हूँ तो पूरा डार्क हो जा रहा है, मुंह ही नहीं दिख रहा, फिर लाइट लाइट पीछे से दिख रही है। यहाँ मैं छुटकी को एक्चुअली में आप सबको पता है हम लोग गए थे इंजेक्शन दिलवाने, पूरा छुटकी को फीवर था 24 घंटे से। एंड उसी के साथ यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे को यहाँ पे ना रूम के अंदर ही ऐसे मन नहीं लग रहा, तो फिर लड्डू भी बार बार चीकू चीकू बोल रहा है 5-6 दिन से। लास्ट फ्राइडे को हम लोग गए थे चीकू के घर, तो मैंने सोचा कि चलो फिर से एक बार जाके आते हैं चीकू के पास से, और यहीं पास में ही रहता है तो जाके आ सकते। भाभी के घर भी नहीं गए बट सैटरडे संडे है, कल तो हम लोग जाएंगे अपने घर पे और कल लास्ट टाइम जाऊंगी मैं, और उसके बाद से सीधे देखते हैं कल, क्योंकि कल मैं किचन का सेटिंग वगैरह करूँगी, अपना जो भी सामान है ना उन सबको जो यूज़ का है वो ठीक है, अदरवाइज़ उन जो यूज़ का नहीं है उनको सेग्रीगेट करूँगी, अलग अलग कर दूँगी। और यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी नॉर्मल एक टी शर्ट और वाइट पैंट में, तो वैसे पहन के, और मैंने कुछ मंगाया था वो आ चुका है मुझे। देखो गाइस अगर मैं ऐसे शूट करती ना तो ऐसे आता, पीछे बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है। तो चलिए फटाफट से यहाँ दिखाते हैं छुटकी को। तो आज छुटकी को पहना दिया रॉम पर, बट ये अगेन पैर मोड़ ली है तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, बट ये 3 से 6 महीने की बच्चों का है, तो यहाँ पे छुटकी लिखा है 3 से 6 महीने बट मुझे ऐसा लगता है 1 साल तक के बच्चों का है। तो छुटकी हो चुकी है रेडी और नींद में ही दूध पी रही है बेचारी, और बहुत ज़्यादा रो रही थी मेरी छुटकी। फ़िलहाल इसको पहना दिया है डायपर भी, और एक डायपर लेके जाएंगे भी, और सो चुकी है। मुझे एक हैंकी लेके आना है, रेड या पिंक हैंकी। ये कैसे पी रही है दूध नींद में। बाकी ना ये कलर्स ऐसे थे ना जो मैं कभी अपने स्किन टोन पे नहीं पहनती थी, क्योंकि इतना लाइट कलर होता था फिर मेरा स्किन डार्क दिखता था। और लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि चलो जो कलर्स मुझे पसंद है जो मैं नहीं पहन पाती वो मैं इसको पहना देती हूँ, क्योंकि लड्डू का भी कॉम्प्लेक्शन ऐसा है ना, वो एकदम फेयर नहीं बोल सकते बट हाँ एकदम डार्क भी नहीं है। उसका स्किन टोन ऐसा है मेरी मम्मी की तरह कि मतलब उन पर हर कलर अच्छा लगता है, वैसे ही छुटकी को मैंने ये सारे कलर्स पहना दिए। उसका कलर भी मैं अलग अलग लेके आती हूँ, लाइट ग्रीन पिंक, क्योंकि वो सब कलर मैं नहीं पहनती थी तो मैं इसको पहना देती हूँ। फिलहाल मैं अपने लिए मंगाई थी ये कुछ कुर्ती, और गृह प्रवेश होने के पहले मैंने सोचा था कि ये आ जाएगा इधर, तो फिलहाल आज मुझे ये रिसीव हुआ है। पता नहीं पहन के कैसा दिखेगा, वैसे वाइट पैंट या उसके साथ पहन सकते हैं, आज मैं वाइट पैंट ही पहनी हूँ। और ये मैंने दिल्ली से लिया था 3 का सेट, तो अभी फ़िलहाल इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है कैसा है, उसके बाद आपके साथ रिव्यू शेयर करेंगे अगर अच्छा हुआ तो। बाकी एज यूजल सबको पता है ये मीशो से लिया है, इसका कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन कपड़ा देख के बताते हैं कैसा है। ये गाइस अभी चेक करते हैं। फिलहाल मैंने इसको ना वो किया है, लोशन लगाया है और लोशन लगा के रेडी किया है। कुर्ती का कपड़ा बहुत पतला सा है, अंदर कार्टून लगा है इसलिए ऐसा लग रहा है। बाकी मेरा बेड तो सारा ये छुटकी का ही वो है, तो पिलो साइड में रखते हैं, एक डाइपर वाइप्स जाएगा साथ में, और ये तो छुटकी का ना कपड़ा ये सब। ये कुछ ना अम्ब्रेला टाइप का है, क्योंकि ना ऐसे फीडिंग वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होती बट मुझे लगता है ना साइज़ थोड़ा बड़ा आ गया, पहन के पता चलेगा कैसा है। तो चलिए ट्राई करके दिखाते हैं कैसा लग रहा है ये। मुझे लगता है थोड़ा सा बड़ा है, बाकी पहन के पता चलेगा। Thank you.
लोग फाइनली पहुंच गए हैं चीकू के घर पे, और यहाँ पे मेरी छुट्टी सो रही है और चीकू के घर पे आ गए हैं। चीकू और लड्डू में हो रही है घमासान युद्ध, क्योंकि लड्डू और चीकू सेम टॉय खेल रहे हैं, फिर वो चेंज कर रहे हैं। लेकिन मेरी बेटी बोल रही है हाँ हाँ, वो बात कर रही है चीकू आ जाओ चीकू। तो अभी हम लोग ऐसे सरप्राइजली आ गए थे और घर पे कोई है नहीं, लड्डू के पापा गए हैं, हुए हैं ऑफिस, तो मैं सुहानी और लड्डू हम सब आ गए। चीकू बहुत रो रहा है, तो पहले चीकू को शांत कराते हैं, फिर वापस कंटिन्यू करते हैं। बोलो बोलो शनिया। तो इसको मैं जा रही हूँ थोड़ा फीडिंग कर दूँ, क्योंकि बहुत देर से खेल रही है बेचारी। धप्पा भैया, मैं बोली भैया को पता नहीं है अभी, तो ये भाभी बोली कि खुश हो जाएंगे देख के। सो भी गई थी एंड में। सो गाइस यहाँ पे लड्डू पहन रहे अपने आप से शूज, और ये रहा चीकू, हाय बोलो। हाय चीकू, मेरा जूता पहन रहा है। ओ चीकू पहन रहा है मेरा शूज, और यहाँ पे भाभी मस्त। इनका चैनल ही मैंने मेंशन किया था गाइस, आप लोग फॉलो कर लीजिए इनका चैनल है एक्चुअली में, वो अभिनव स्वर्ल्ड, प्राचित स्वर्ल्ड, उनको भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं, क्योंकि लड्डू के पापा आ चुके हैं और फिर अभी शाम भी हो गया है बहुत ज़्यादा, तो निकलते हैं फटाफट से। मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है, वो तो सुबह व्लॉग में आपने देख लिया होगा, बोल रहे थे लड्डू के पापा की लाडली है डॉल, अब फिर आ करने लगी, तो पैक हो गई बेचारी। हेलो, हाँ पापा प्रणाम, कहा पता बच्चे सुन रहे। हेलो, हाँ प्रणाम पापा जी, क्या समाचार है? कमजोरी हो गया है, क्या पापा आवाज आपका कम आ रहा है? जूस वगैरह पीजिए, सब ठीक है पापा जी, वहाँ सब ठीक है। घर पे सब ठीक है? भीड़ है क्या दुकान में? दुकान में भीड़ है क्या? बोल रहे हैं ठंडा कपड़ा कम आएगा, अब आइएगा तो आप यही रह जाइएगा। बाबू ठीक है? बबुनी हंस रही है, बबुनी हंस रही है, हाँ आपसे हम बात कर रहे थे तो हंस रही थी। बात करो दादाजी से, दिए हैं। रिस्पॉन्स कर रही है, बात करो। आप बोले हैं तो बोल रही है, हाँ ठीक दी, फिर बोली छुटकी है ये, छुटकी आऊं आऊं कर रही है, बोलिए बोलिए कर रही है। हाँ जी बोलो मामू। बाप पैर हाथ चला रही है, बोल दो। बनी है, बनी के पास है, लड्डू तो नहीं है यहाँ पे रूम में, दूसरे रूम में है, बुला रहे हैं रुकिए। करता है कम करता है, आप बोल रहे हैं तो बनी पूरा हाथ पर चला रही है। बोलो ऊ दादाजी। सुने हैं
बोलने पे करती है अब ऐसे। बोलो दादाजी आइए। आएंगे आएंगे आएंगे। आइए मेरे पास रहिएगा। बोलो बोलो दादाजी। बोलो आप बोलिए ना। वो ऊँ आ कर रही है, पूरा हाथ पर चला रही है। बनिया को कल सुई लगा था, सुई पड़ा था 45 दिन वाला। तो बुखार आता है अब, कल से बुखार था, आज उतर गया। ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाओगी, बोलो दादाजी को। हाँ ठीक हो जाओगी। बोलो बेटा, पूछो क्या खाए हैं। पूछो क्या खाए हैं। कुछ नहीं खाया, तुम क्या खाए हो। हम तो नहीं खाते हैं दादाजी। ठीक है पापा जी, आइए बुला रही है ये भी। ठीक है, प्रणाम पापा जी। नहीं रखना है। वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है।